आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ता करी। तो आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश और मैं हूं शगुफ्ता। तो ये जैसा कि आप क्लिप में देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत मैंने नरगिसी कोफ्ता करी बनाए हैं, बहुत टेस्टी बनाए हैं। तो सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये लिया है मैंने आधा किलो चिकन का कीमा। चिकन के कीमे से ही मैं बनाने जा रही हूँ, आप चाहें तो इसे मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। ये 6 अंडे लिए हैं, अब देखते हैं कितने अंडे यूज होते हैं। ये 4 प्याजों को बिल्कुल बारीक फूड प्रोसेसर में काट लिया है और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर देंगे हम सबसे पहले। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने राई का तेल गर्म होने डाल दिया है, 1 से 1 कप तेल है, और उसके अंदर इस प्याज को मैं गोल्डन करने शुरू कर दूंगी। ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है, इसे साइड में रख देंगे। ये गोल्डन प्याज करने की सबसे पहले गोल्डन करने की वजह ये है कि मुझे थोड़े से गोल्डन प्याज चाहिए वो कोफ्ते के बैटर में मिलाने के लिए, कोफ्ते के डो में मिलाने के लिए। तो इसे मैं एक तरफ गोल्डन होने छोड़ देती हूँ और दूसरी तरफ मैंने ये अंडे ले लिए। अब मैं नरगिसी कोफ्ते पूरे एक फुल अंडे से नहीं बना रही हूँ, मैं अंडों को चार चार पीस में कट कर दूंगी, एक एक अंडे को, और फिर एक एक पीस को मैं एक एक नरगिसी कबाब के अंदर डालूंगी। कबाब क्या, कोफ्ते बना रही हूँ करी। तो देखिए, मैंने अंडों को चार चार पीस में कट कर लिया है और अब मैं इन्हें वो चिकन के बैटर के अंदर भर के नरगिसी कोफ्ते बनाऊंगी। अब ये चिकन का कीमा आ गया और जो मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए डाली और जो बचा ली थी, वो बची हुई प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी। और साथ में इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक स्वाद अनुसार आप लें अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने नमक और प्याज डाल दी। आधी चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। ये इतने मसालों के पाउडर मिला है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और ये थोड़ी सी धनिया मैंने ले ली, हरी धनिया साफ की हुई धोई हुई, इसे बारीक कतर के इसमें मिला देंगे, इसमें डाल देंगे ऐसे। उधर प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है, तब तक मैं इन मसालों को इस चिकन के अंदर मिलाऊंगी। तो नमक जो है अच्छी तरीके से चिकन के कीमे में मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो गया, इसके अंदर मैंने डाला 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब और 1 अंडा। अब इन्हें भी मिलाऊंगी, हाथों की मदद से मिलाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएगा। ये मिक्स हो गया। अब उधर हम जरा चेक करेंगे प्याज को कि वो कितनी गोल्डन हुई है। अगर गोल्डन गोल्डन हो गई थी तो मैंने इसमें आधा बड़ा चम्मच ले लिया और उसे भी इसमें मिला दिया। अब मैंने ये नोट किया है कि मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई हूँ, जो कि मुझे पहले प्याज के साथ ही डालना चाहिए था। तो अभी मैं यहीं पर डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालना ना भूलें, प्लीज जरूर डालें। मैं भूल गई थी तो मैंने अपनी भूल सुधार ली है। अब ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूंगी 10 मिनट तक और उधर देखूंगी उस प्याज को। तो ये प्याज जो है गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर मैं इसका ग्रेवी तैयार कर लूंगी, मीन्स करी तैयार कर लूंगी। तो मैंने इसके अंदर 1.5 कप डाल दिया है दही और साथ ही डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना नहीं भूली हूँ, वहां भूली थी लेकिन मैंने भूल बहुत जल्दी सुधार ली। अब इसे चलाते जाएंगे तो दही और लहसुन अदरक का पेस्ट और वो गोल्डन प्याज, ये तीनों चीजें मिक्स होके पकती जाएंगी और साथ ही साथ मैं इसके अंदर बाकी के दूसरे जो ट्रेडिशनल मसाले हैं एक अच्छी ग्रेवी में डाले जाते हैं वो डालती जाऊंगी। तो ये आ गया धनिया पाउडर, 2 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, बहुत ज्यादा धनिया नहीं डाले। वैसे धनिया अगर थिकनेस आपको ज्यादा चाहिए तो थोड़ी और धनिया डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर
और सारी सारे मसाले आ गए। अब इन सारे मसालों को मैं इसके साथ भूनूंगी। मैंने, आपने नोट किया होगा, इसके अंदर मसाले पकाने के लिए पानी नहीं ऐड किया है, वो दही के पानी में ही पक रहा है। नमक मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इस मसाले को भूनने देंगे, भूनेंगे लगातार चलाते हुए। लगातार चलाते हुए जब इस मसाले को भूनते हैं तो ग्रेवी बहुत मखमली सी बनती है। मैंने इसे ढक दिया और बिल्कुल लोएस्ट आँच पर रख दिया है। अब यहाँ पे ये 10 मिनट हो गए हैं कंप्लीट, तो यह मेरा चिकन का बैटर जो है अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूंगी। तो देखिए, मैंने इतना पोर्शन लिया और इसको ऐसे फैलाया अपनी हथेली पे, और उसके ऊपर मैं ये एक पीस रख दूंगी अंडे का, और इसके ऊपर से थोड़ा सा और मैंने डो ले लिया, कीमे का बैटर या डो कुछ भी कह सकते हैं, ये मैंने ले लिया। और इसे ऐसे लंबा नरगिस के शेप में बनाएंगे, क्योंकि मैंने लंबे लंबे पीसेस अंडे के कट किए हैं, तो इसी शेप में मैं, जो अंडे का शेप है उसी शेप में मैंने इसका कोफ्ते को बना लिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये कच्चा कीमा है और इसे पकाने में बहुत केयरफुल रहना है ताकि वो कच्चा ना रहे। वैसे बहुत पतली सी लेयर कीमे की आई है अंडे के ऊपर, तो वो पक जाएगा बहुत जल्दी, पर बहुत केयरफुली पकाना होता है। तो मैंने इस बने हुए कबाब को एक प्लेट में रखा, और इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना लूंगी। कोफ्ते या कबाब कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से, ये देखिए मेरे हाथों का मूवमेंट देखिएगा, मैं इस तरीके से बना रही हूँ, जिस शेप में वो तिकोने अंडे कटे हैं, एक अंडे के 4 पीस हुए हैं, तो एक पीस जो है तिकोना है, उसी तरीके से तिकोने शेप में ये कोफ्ते भी बने हैं। तो ये नरगिस की शेप है, और ये नरगिस की शेप के कबाब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सारे इसी तरीके से बना लूंगी। देखते हैं कितने अंडे मेरे यूज हो जाते हैं और कितने बच जाते हैं। अब मैंने उधर वो कबाब बना लिए हैं, और इधर मैंने एक दूसरे पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया, और इसमें मैंने डाला टूथपिक, और ये देखिए जरा जरा छुन छुन होने लगा है। तो ऑयल को बहुत तेज गर्म नहीं करना है, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, बहुत तेज गर्म नहीं करना है, ऐसे छुन छुन होते हुए में ही इसे तलना है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक एक पीस को डाल दिया। इसे इस तरीके से तलना है कि ये बिल्कुल जले नहीं, डार्क कलर ना हो इसका, गोल्डन कलर होना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत ये कोफ्ते होते हैं, जब आप इसे डिनर के या लंच के टेबल पे रखते हैं तो देखते ही लोगों का मन एकदम बाग बाग हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इतने पीस डाले हैं, इसमें जगह बनाती हूँ, और अगर पीस आ गए तो और डालूंगा, और एक पीस और डाल सकती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने और दूसरे पीस डाले। अब ये एक साइड से पक गए, उनका कलर चेंज हुआ, तो मैं इन्हें पलटना शुरू कर दिया, और ये देखिए दूसरी साइड से भी इन्हें पकने रख दिया। इन्हें पकने के लिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं, अच्छा सही कलर आने के लिए। आँच को बहुत तेज ना करें, मीडियम आँच पर फ्राई करें। अब इन्हें अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है और ये अंदर से पक भी गए हैं, तो मैंने इसे एक एक करके निकाल लूंगी, और इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। इन्हें फ्राई कर लूंगी, साथ ही साथ मैं उस मसाले को भी देखती जा रही हूँ कि वो जले नहीं। वैसे वो जला नहीं है, क्योंकि मैंने उसे सबसे छोटे गैस पर बिल्कुल स्लो आंच पे रखा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जला नहीं है मसाला, मैंने उन्हें फ्राई कर लिया, और इस मसाले को अब मैं देख रही हूँ, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर वो तले हुए कोफ्ते मैं डाल दूंगी सारे। वैसे नरगिसी कोफ्ते तले हुए भी खाए जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्रेवी के साथ इनका मज़ा 2 गुना हो जाता है। इसे आप नान के साथ में और पुलाव के साथ में सर्व कर सकते हैं, मन चाहे रोटी के साथ और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, मेरे पास 5 5 साढ़े 5 अंडे यूज़ हुए हैं, बाकी के अंडे बच गए हैं, करीब एक अंडा बच गया है समझो, बाकी सारे अंडे इसमें यूज़ हो गए हैं। और छोटे बच्चों की तो बहार है, वो कटे हुए अंडे खा रहे हैं नमक डाल के। और ये मैंने कंसिस्टेंसी बस थोड़ा सा पानी डालकर सही की है, मैंने भुने हुए मसाले में 1 गिलास पानी डाला है, और ये करीब 8 लोगों के खाने के लिए तैयार है डिनर के लिए। तो मैं इसे नान के साथ सर्व करने जा रही हूँ, और जल्दी कीजिए, आप भी जाइए जल्दी फटाफट बनाइए और नान मंगवाइए और खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। और वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।